जो तुसी पाउणा चाहुंदे हो, 1,000 करोड़ पाउणा चाहुंदे हो, 2,000 करोड़ पाउणा चाहुंदे हो, पा दो साडे ते, तुहानूं कोई रोकदा है? जिथे साइन कराउणे करा लो, असीं कहिंदे साडे आ। तुसी 4 महीने रख लो, 4 साल रख लो, उहने तुहाडे मूहरे नहीं चुकणा। जिहड़ी इंदरजीत इंदी दी अंदर अफसर साडे वेले भी रहे आ, बहुत उहनां चों एक अद्धे दो इहनां दे चेते हो सकदे आ, पर वो मिंटो मिंट सानू दस दिंदे आ वी इस वेले किहड़ा डिग्री टॉर्चर किया जा रहा, कौन कर रहे, किहड़ा DSP कर रहे, हुण SSP आ गया। जिवें आशू जी लई उरे खड़े सी, उवें एक इहनां नूं बंदे वांगू ये गल कहण आया, भाई ये काम ना करो, मुड़ के राह बहुत ने। फिर तुसीं कहोगे जी उरे घराओ हो गया, फिर कहोगे जी उरे धरने लग गए, फिर होर गल्लां करोगे, वो बहुत छोटियां गल्लां। जो कुछ हैगा, जो तुसी पाउणा चाहुंदे हो, 1,000 करोड़ पाउणा चाहुंदे हो, 2,000 करोड़ पाउणा चाहुंदे हो, पा दो साडे ते, तुहानूं कोई रोकदा है? जिथे साइन कराउणे करा लो, असीं कहिंदे साडे आ। तुस 4 महीने तो उत्ते, 5वां महीना आशू जी नूं हो गया जेल च, तकलीफ ये आ भी उहनूं क्यों नहीं चुके? वो नहीं चुकना भाई, वो लोगों का बनाया हुआ लीडर आ, थल्लों बनिया, तुसी 4 महीने रख लो, 4 साल रख लो, उन्हें थोड़े मूहरे नहीं चुकना। तो उस वेले गल की सी, पिछों मैनू मल्होत्रा पेश होए, असी बिल्कुल नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई धक्का नहीं होया, वो जदों आए तो जुडिशरी रिमांड चले गए, जिन्हें जो इन्होंने पुछना सी पुछ लिया। पर हुण जदों दे इंदरजीत इंदी फड़े आ, कल इत्थे 20 तो 25 मुलाजम सीगे, तुसी मैं तुहानूं पहलां वी कहा सी वी इत्थे कैमरे ला के रख्या करो, इत्थे कोई ऐसा नहीं गा जिहड़ा लुधियाणे का जिहदे कोल भी 4 गड्डियां है, 4 पैसे आ, उहनूं विजिलेंस दफ्तर नहीं सद्दिया। इत्थे हाजरियां बाद चैक करांगे, सरकार वेले तां होणियां नहीं, RTI ते पता कर लांगे। ते मैं ये गल कर रहा जिहड़ी इंदरजीत इंदी दी आ, अंदर अफसर साडे वेले भी रहे आ, बहुत उहनां चों इक अद्धे दो इहनां दे चेते हो सकदे आ, पर वो मिंटो मिंट सानू दस दिंदे आ वी इस वेले किहड़ा डिग्री टॉर्चर किया जा रहा, कौन कर रहे, किहड़ा DSP कर रहे, हुण SSP आ गया। कल जदों इत्थे बहुत आवाज़ां आईयां ते जिहड़े फूड सप्लाई महकमे दे इत्थे अफसर बैठे सी, मुलाजम बैठे सी, वह भी सदे हुए सी, उन्होंने कहा भी ये रौला कादा पै रहा, कादियां आवाज़ां आ रही। वह कहिंदे जी SSP ते DSP जिहड़ा इंदी ने, इंदरजीत सिंह इंदी, साडा वर्कर, एक गरीब आदमी, वो इंटरोगेशन हो रही, टॉर्चर हो रहा, वो टॉर्चर किया जा रहा। उदू बाद इन्हां दे अफसरां तो असी पता किया, उदू बाद जदों पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस स्टेशन चों वकीलां ने पता किया, पुलिस स्टेशन च असी होर बहुत लोग ने, कोई गल लुकी थोड़ी रहिंदी आ। ते उहनां नूं सब तो माड़ी गल ये आ, जिहड़ा 3rd डिग्री तां कीता ही किया, उहनां दे अंग तां पाड़े ही गए, कल्ले कल्ले इस एंगल ते लिया लिया। सब तो वध जदों SSP ते DSP बैटरियां, बड़े बड़े बैटरे लै के, बैटरियां लै के करंट लाउण लई, ते नाल ये भी पता किया हुआ भी इंदी जी दे एक बेटी आ। अजकल समाज च कोई बेटा बेटी च फर्क है? उन्हां दे मन च की आ की नहीं, वो बेटी नाल संतुष्ट ने जां बेटे नाल संतुष्ट ने, वो अलग गल आ। उन्हां नूं कहा गया भी तेरे, तेनू असीं नपुंसक करन लगे हाँ, तेरे कल नूं बेटा नहीं हो सकदा। देखो सोच किन्नी माड़ी आ, ऊ कहिंदे बेटा बेटी च फर्क नहीं, ये क्या है? लगदा मनुखी दी घर दा वी कहाणी है। पहिलां ये सुनो भी तेरे एक बेटी आ, तेरे एक बेटा नहीं पैदा होना, असीं आ ऐसे करंट लावांगे जिन्ना तू कल नूं बिल्कुल नपुंसक हो जाएगा। वो उन्होंने लाने शुरू किए भी इत्थे मन ये सारिया चीज़ा लिख, पर वो कहिंदा जी मैं झूठ किवें मनना, सारे जिहड़े ह्यूमन राइट्स ने उहदी उलंघणा है। तुसीं जिवें कह रहे हो, मैं समझदा अनमनुखी तसीहे टॉर्चर, ते असीं ये कहा है पहला तो कोर्ट नूं, मैं वकीलों नूं भी अज कही आ भी ये कहो पहला तो उरे हाई कोर्ट की जां किसे दी रेड हो वे भी इत्थे की कुछ आ इस विजिलेंस दे दफ्तर च जिहड़ा ये अन मनुखी अधिकार की उलंघना करके किस तरीके नाल टॉर्चर करते आ, ये भी होनी चाहिए आ मैडिकल च, क्योंकि जिहड़ा सिस्टम आ सरकार इन्हां दी आ, हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल इन्हां दे आ, ते इस तरीके नाल ढंग नाल ये टॉर्चर करते आ, जिहड़ा कि बहुत अजकल तरीके, अजकल तो साइंटिफिक इन्हां कोल गल्लां ने भी जिहड़ियां मैडिकल च नहीं आउंदियां, वो सट्टां जिहड़ियां डूंघियां वो बाहरों नहीं दिखदियां, ते इस तरीके नाल उन्हां इन्हां दा
एक DSP है उसका नाम भी आने वाले दिनों असीं कोर्ट में देवांगे। तो SSP तो बिल्कुल ही मैं समझना एक हाथ चौकू इन्हां दे बुलारे ही बन चुके आ। आ हुण आजूगा जदों मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद कोई पोलिटिकल सरकार दा किस दा नहीं इन्हां दा जिहड़ा है वह प्रेस नोट बाहर आऊगा। तो इस करके बहुत भारी मैं तो यह कहना आया सी ये कोई डरा नहीं कोई धमकी नहीं राहुल गांधी की यात्रा आ रही है जो पंजाब हो रहे हैं असी जी राहुल गांधी की यात्रा मुड़ के विजिलेंस वालों करा मिलने दिता गया जे नहीं नहीं मैं तो गया ही नहीं। तो मैं ये गल कह रहा मैं तो सिर्फ वो अपने वर्कर लिए जिमें आशू जी उरे खड़े से उमें एक इन्हों बंद वागू ये गल कह आया भाई ये काम ना करो मुड़ के राह बहुत ने फिर तुम कहोगे जी उरे घराओ हो गया फिर कहोगे जी उरे धरने लग गए फिर होर गल करोगे वो बहुत छोटिया गल् पर हुण यात्रा है जी भी एंटर हो रही है। मैं कोई क्योंकि सरकार ये काम बहुत व्डे लैवल से कर लगी हुई है तो ये कोई ना कोई सानू जिहड़ा ये ढंग तरीका तैयार करना पैना तो उदा मैनू लगता SSP है जिहड़े उहदे भेट चढ़नगे मैनू ये किते दी किते भी जाना पवे पर ये परसनल लैके हर चीज़ में असी कहने भी सातों जिहड़ा भी 2005 करोड़ भाई कितने साइन करा लो आशू जी दे जेल च थोड़े कोल बैठा मेरे तो करा लो भी साढ़े आ ये तुसीं एक साढ़े वर्कर नूं ये गल किवें कहो वो गरीब आदमी नूं जिहड़ा एक एक बेचारा मेहनत करके साडा वर्कर पार्टी की पार्टी लिए काम करता उन्होंने तुम क्यों कहने जदों आशू थोड़े को किन्ने चिर इतने रहे हर जिले च पुलिस उन्होंने चक के लैके गए जो मर्जी करा लो जो मर्जी लिखा लो असी मुकरदे हाँ। इस करके एक वर्कर नूं तंग करोगे तो फिर चटान मंगू रमनीत सिंह बिट्टू तो पार्टी खड़ी होगी ये असी कदे बर्दाश्त ना किया ना करा। बिट्टू जी आखिरी सवाल है एक हरजोत बैंस ने तुगलकी फरमान जारी किया कि पंजाब च जिन्नियां दुकानां सारे बोर्ड पंजाबी च लाओ कहिंदे भी ना इंग्लिश ना हिंदी तो लगता है कि ना कि धर्म निरपेक्ष साडा राज हैगा पंजाबी भाषा नूं प्रफुल्लित करना चाहिए पर नाल ही जिहड़ा लोकां दी भावनावां हैगी आ उसनूं भी कितना कितें देखो ये देखो सरकार जिहड़ी आ उह अपने बोर्ड सारे पंजाबी च लिखे सड़कां ते लिखे जिहड़े भी सरकारी उह लिखे बाकी जिहड़े चीज़ां आ वो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र आ कोई पंजाबी लिखता है जिथे पिंडा च अगला कहना पंजाबी समझ आती है पढ़ते हैं लोग जिथे शहर च कोई उत्थे कोई अलग भाषा च लिखना चाहता होर कि बड़े शहर च कोई इंग्लिश लिखना चाहता किसी की अपनी मर्जी है। ये जबरदस्ती तुम कह रहे हो कि माइक से ज दस अमर लिखा है जी लिखा नहीं इनू पंजाबी च लिखो ये तो बिल्कुल मैं समझदा ये कोई लुधियाना थोड़े सारे इंग्लिश लिखे फिर सारे पंजाबी करना पो सब तो पहले तो थोनों ही बदलना पैना है। इस करके ये तुगलकी फैसले आ जोड़े ये अंजाण ने यार गल तो इन अंजाण पड़े च की बोल जाते कि नहीं बोल जाते इन्हों की मर्जी। इस करके तो मैनू तो लगता जो महकमे की गल करते हो ना जोड़ा महकमा है एजुकेशन तुसी आप जी गिण लग जाओ थोनू नहीं पता लगना भी किन्ने मंत्री एजुकेशन मिडल का कोई हायर का होर सैकेंडरी का होर मेडिकल पता नहीं 5-7 मंत्री ने ता पता लगता भी एजुकेशन मिनिस्टर केड़ा इन्हां दा ते केड़ा फैसला जारी करी जांदा। कल गोगी जी ने कहना छापा मारिया वा हुण मैं तो बाद लगता भी गोगी जी ने कैमरा ला के उत्थे कल उन्होंने छापा मारिया कई जगह ते पहला भी छापे मारी जिहड़ी विधायकां वल्लों कीती गई है किस तरह देखदे हो ना मेरी गल कलम छोड़ हड़ताल ते कुछ मुलाजम बैठे ने नहीं नहीं मेरी इक बेनती आ सरकारी ओह गोगी जी ने सारी MLA एक साल हो चलिया रेडा मारदियां नूं हर तीजे दिन उही बेचारे दो क्लर्क वो भी ठेके ते रखे हुए वो भी बेचारे कोई जड़े उत्थे करिंदे फिरदे आ उन्हां नूं फड़ लैंदे आ उन्हां नूं जिहड़े अफसर ने जिहड़ा मैं ये गल कहूँगा गोगी जी हुण थोड़े घरे जां मेरे घरे कोई गलत काम हो रहा जां सही काम हो रहा उहदी जिम्मेवारी किहदी है मेरी है ना तो गोगी जी की हूँ जे RTA के दफ्तर च DTO के दफ्तर च SGM के दफ्तर च एक काम जड़े हो रहे हैं जिन्होंने गोगी जी फड़ रहे हैं मैं कहना बहुत चंगी गल है पर एक साल तो बाद कलर्कों तो इन्हों कौन फड़ू जे इतने RTA DTO उन्होंने कौन बदलू गल तो उदों बनती है जदों वो टैलीफोन करते रहेंगे बेचारे मैं देखता रहना ना RTA आता ना DTO आता ना कोई SGM आता है वो जिहड़े आ कोई पिस्को का मुलाजम पिस्को का कोई मुलाजम आ कोई ठेके ते रखिया वो गरीब मार हो जा रही है तो जिहड़े उत्ते आका बैठे करा रहे आ वो दूजे दिन फिर उन्होंने बिठा देंदे आ।